नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, गलत फहमी पर छोड़ गया प्यार गिरेगा आपके कदमों में। अगर आपका प्यार के बीच में कोई गलत फहमी हो गया है और गलत फहमी के कारण अगर आपका प्यार आपको छोड़ करके चला गया है, तो वह आपका पल भर में जो है आपके कदमों में गिरेगा, आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो। आज मैं एक ऐसी शक्तिशाली उपाय कर रहा हूं जिससे खोया हुआ प्यार को आप वापस पा सकते हैं। खोया हुआ प्यार को आप जो है आप अपने आगे पीछे घुमा सकते हैं। खोया हुआ प्यार को जो है आप अपने कदमों में झुका करके आप उससे मन चाह काम को करवा सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार के बीच में आपका प्यार के दिमाग में किसी तरह से कोई गलतफहमी बैठ गया है और आपको छोड़ करके चला गया है, धोखा दे दिया है, आप काफी परेशान है, तो इस प्रयोग को अवश्य करें। आपको जो है खोया हुआ प्यार पल भर में वापस मिलेगी और वह आपका प्यार में फिर से तड़पने लगेगी। तो आखिर कौन सा टोटका को करना है, कौन सा ऐसी चमत्कारी टोटका है, कौन सा एक ऐसी अनोखा टोटका है ताकि आप अपने प्यार को पा सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो पर आखिर तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे और आप हमेशा के लिए अपने प्यार और मोहब्बत को पूरी तरह से कायम रखें। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज जो वशीकरण करने का जो टोटके बताने जा रहा हूं, ये न सिर्फ आकर्षण, इसको आप वशीकरण के साथ साथ इसको आप आकर्षित भी कर सकते हैं। दूर से बैठा हुआ इंसान को भी आप खींच करके अपने पास ले आ सकते हैं। दूर से बैठा हुआ प्रेमी प्रेमिका को भी आप चुंबक की तरह खींच करके अपने पास में ला करके उसे आप गुलामी करवा सकते हैं। ये एक ऐसी शक्तिशाली टोटका है। तो इसको करना किस दिन है और किस समय में है और कैसे करना है, सारे विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों, आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन में इस क्रिया को करना है, किसी भी शनिवार के दिन, लेकिन एक दिन पहले आपको इस चीज को, सामान को आपको खरीद करके लाना है। क्या सामान है? सामान कुछ नहीं है, आपको 7 मीटर लाल रेशम का धागा लेना होगा। 7 मीटर लाल रेशम का धागा और 7 मीटर लाल रेशम का काला धागा, काला धागा और लाल धागा दोनों रेशम का होना चाहिए। ये दोनों धागे को आप लेकर के आइएगा और दोनों धागे को करना क्या है, और दोनों धागे में 7 पीस करके आपको लॉन्ग, 7 पीस करके लॉन्ग आपको बांध देना है। लाल धागे में भी 7 पीस लॉन्ग और काला रंग का धागे में भी 7 लॉन्ग आपको बांध देना है। और बांध करके इसको एक दिन पहले, आपको इस क्रिया को करना है शनिवार के दिन में, लेकिन आपको एक दिन पहले यानी आपको शुक्रवार के दिन में ही रात के समय में इस काम को करके रख लीजिएगा। अपने सिर के पास में जहां आप सोते हैं, अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है और सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले आपको वो धागे को, सारे चीज को लेकर के एक सरसों तेल का कटोरे में उसको डाल करके उस कटोरा समेत को लेकर के चले जाना है। किसी भी आपका नीम का पेड़, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ या अकवन का पेड़, ये चारों पेड़ों में से कोई भी एक पेड़ के पास आपको चले जाना है और जा करके ये दोनों धागा को जिसमें लॉन्ग बांध करके रखे, दोनों धागा को उसमें लपेट करके आपको 7 बार उस प्यार का नाम लेकर के, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसका नाम लेकर के आप उस धागे को बांध दीजिएगा और बांध करके छोड़ दीजिएगा। इतना एकांत जगह बांधिएगा जहां पर लोगों को कम आना जाना होता है, जहां लोग कम आते जाते हैं, उसी जगह पर पौधे पर जाकर के इसको बांध दीजिएगा। बस इतना करने से ही आपको पल भर में आपके ऊपर में खोया हुआ प्यार जो है वापस मिल जाएगी, उसके अंदर प्यार दौड़ने लगेगा और आपका बिछड़ा हुआ प्यार आपको वापस मिल जाएगी। ये छोटे सा उपाय में ही करने से ही ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप जरूर प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।